कल मैं शाम को बच्चों को लेके बैठी थी, यहाँ पे दो बच्चे थे छोटे, तो मैं खाना खा लो, बोले भी नहीं खाती बाहर, तो फिर आवाज आई लड़ने की सी। फिर ऊपर गई मैं कैमरे में देखन ताई, कैमरे में मारी गाड़ी खड़ी थी थारी, आके जब वे रुके थे, मेरे देवर था, जेठ था और मेरे हस्बैंड थे, ये आकर रुके हैं। फिर इनकी गाड़ी आई हिमांशुअर की, इन्हें आकर ऑर्डर रोक के अपनी बहू आ रही, वे तो चली गई है लिप्टन तई बाजे से, जेठ कर उनके मेरे हस्बैंड कर देवर के। फिर उनने इन्हें अपने बचाव में पथराव करे, उन्हें फिर गाड़ी चढ़ाई थी नुपालका पे इतनी, फिर वो फायरिंग करते आए, फिर मारे कैमरे तोड़ दिए उन्हें। तो उसके बाद हमने कुछ नहीं देखा, नहीं हम बाहर घर के बाहर निकले, उनके लेडीज पत्थर बरसा रही हैं दो और गाली गलौच दे रही हैं। हम थार बाहर थार गाड़ी किसकी थी और उसमें थार गाड़ी किसने मारी थी, तोड़ फोड़ की, उसमें इनके नहीं करी, कितने लोग थे लगभग? उनके तो घने थे 15-20 लोग थे, परे थे वे तो सारे फरसे वरसे सारी चीज ले रहे थे, पानी पूनी का और तो कुछ बना था। कल तो हम तो खड़े हुए तो खड़े ही थे, वे तो कई दिन तक प्लानिंग बना रहे थे। कल मेरे हस्बैंड, मेरे दो जेठ और उनके बच्चे यहाँ घर के बाहर अपने ऑफिस से और काम से आके खड़े ही हुए थे। इतनी देर में दिनेश दहिया के दो बेटे गाड़ी को लेकर आए थे और गाड़ी से उन्होंने अपने बच्चों को तो उतार के घर भेज दिया, और अपनी गाड़ी से उतर के मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ के साथ मार पिटाई करनी शुरू कर दी। अपने उनके साथ ही उनके पीछे से उनके चाचा गाड़ी लेके भागे हैं, उन्होंने सीधी बच्चों को टक्कर मारी है। वो तो गनीमत रही कि हमारे बच्चे बच गए, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि आप वीडियो देखोगे तो आप भी शॉक रह जाओगे। इसके बाद उनके टक्कर मारने के बाद हमारे जो मेरे जेठ और मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने अपने बचाव में पत्थरबाजी की है। उनके बाद उनकी फैमिली से उनकी लेडीजें भी आई हैं और फैमिली मेंबर भी इकट्ठे हुए हैं, वो लाठी डंडों के साथ फरसों के साथ आए हैं और उन्होंने खूब हमले करने की कोशिश की है। इधर से हमने अपने बचाव में पत्थर फेंके हैं दोनों तरफ से, उन्होंने तो बिल्कुल मारने का इरादा बना के वो आए थे। उनके पास पता नहीं अवैध हथियार थे या क्या था, दो बंदों ने उनके ने खूब फायरिंग की है हमारे ऊपर। फायरिंग फायरिंग करने वाले लोग कौन थे? करने वाले सर उनकी फैमिली के आदमी हैं, एक का नाम सुक्कू है देविंदर और एक का नाम है भोला। करते क्या हैं लोग? सर ये कुछ नहीं करते, ये करते हैं पैसे का घमंड। अब इनके पास जमीन का पैसा आया हुआ है और अब ये सोच रहे हैं कि आसपास जो ये जो हमारी फैमिली मेंबर जो पानी का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर अपना वर्चस्व बना लें। आपकी पुरानी भी लड़ाई चल रही है, बता रहे हैं कि पुरानी रंजिश के चलते ये सब हुआ था, जी क्या कारण था पुरानी पुरानी? रंजिश सर हमारी ये हुई थी कि 5 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे तो गांव में से दो मेंबर उठने थे, एक ओपोजिट पार्टी का था, एक मेरे जेठ थे। तो जेठ को मिल गया और जेठ ने अपना जैसे प्रचार किया तो जीत गए। अब दूसरी पार्टी को उस चीज की खुन्नस थी, उन्होंने बीच बीच में उन्होंने भी ये किया कि जब नहीं हत्थे दिखे तो हमारे ऊपर हमला करवाया, झूठे केस बनवाए। बाद में उनकी जब जांच हुई तो वो केस उन्हीं पर लगा, सच्चाई सामने आई। अब भी इन्होंने यही किया है। अब जो पहले हमला किया था वो किया था प्रेम दैया ने, अब प्रेम दैया ने फिर ये चाल चल दी कि अब जब 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं तो दिनेश दहिया को अपनी साइड मिला के उसको बहला फुसला के इलेक्शनों में उठाने के लिए तैयार किया हुआ है, और इलेक्शन का लालच दे के उसको तो अपनी साइड कर लिया। और जो पानी के लिए हमारे साथ हमारी फैमिली मेंबर जो आपस में ये थोड़ा झगड़ा कर बैठे थे, इनको भी अपने साइड मिला के इन्होंने खूब बड़ी रंजिश रची हुई है। हमारे पास दिल्ली से CI वालों के फोन आए थे, उन्होंने हमें नोटिस भेजा था कि आप दिल्ली ऑफिस में आके मिलो, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जब हमारे फैमिली मेंबर गए हैं तो वहां उनको जाने के बाद पता चला है कि दो बंदे कहीं से अवैध हथियारों के लिए पकड़े गए हैं। जब उनका रिमांड हुआ है तो उन्होंने सच्चाई उगली है कि हमें तो धनवापुर के प्रेम दैया, दिनेश दैया, सुक्कू दैया, भोला दैया और एक इनका लड़का और है, इन पांचों के नाम लिए गए हैं और बताया है कि इन्होंने तोते की और नरेंद्र की दोनों भाइयों की सुपारी दी हुई है। सर ये बात हमें 3-4 दिन पहले पता चली है, तो जैसे ही हमें पता चला हमने कोशिश की कि भाई राजेंद्र पार्क थाने में जाके अपनी रिपोर्ट लिखवाएं, लेकिन उन्होंने हमें ये कह दिया कि अभी सबूत के पास ना, सबूत के लिए ना कोई वीडियो है ना कोई हमला हुआ है, तो हम कैसे मान लें, ये कह के उन्होंने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। हम सोच ही रहे थे कि भाई आगे कोई कार्रवाई हो, किसी से बातचीत करी जाए, लेकिन उससे पहले तो इन्होंने सारी जो ये साजिश रच रखी थी उसको अंजाम देना शुरू कर दिया।
इन्होंने परसों रात को जो हमारा पिछली गली में कैमरा लगा हुआ है उसको झुकाया है ताकि इनकी हलचल दिखाई ना दे। इन्होंने गाड़ी में से कोई अवैध हथियार छुपो के अपने घर ले गए हैं, वो वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। इन्होंने कैमरे को झुका दिया ताकि बाकी बात का पता ना चले। कल इन्होंने जैसे ये बाहर खड़े थे सीधे आते ही गाड़ी से अपनी से उतरे हैं और उन पे हमला करना शुरू कर दिया। इनकी लेडीज भी साथ थी और इनके बाकी के फैमिली मेंबर भी आके उनके हाथ में फरसे भी थे। हाँ, ये जरूर हुआ है कि उनके फरसे से उन्हीं के बंदों को चोट भी लगी है, लेकिन इन्होंने झूठी बातें फैलाई कि इनके घर में हमारे बंदे घुसे हैं, लेडीजों को मारा है, उनके कपड़े फाड़े। ये सरासर झूठ है, वीडियो बनी हुई है, हमारे पास सारे सबूत हैं। कोई इनके घर के पास भी नहीं पहुंच पाया क्योंकि दोनों हमारे तो गेट के ही सामने सारी लड़ाई हुई है, तो हमारा तो कोई बंदा हमारे गेट से आगे पहुंचा ही नहीं। हमें अराउंड 8:30-9 के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गांव दनवापुर में दो पार्टीज के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो मौके पर टीम पहुंची हमारी, राजेंद्र पा की टीम पहुंची और CI की टीम पहुंची। पता लगा कि दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, पथराव भी हुआ है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, हम फ्यूचर कार्रवाई कर रहे हैं। किन दो पक्षों के बीच में हुआ, क्या इसके पीछे प्रारंभिक जांच में कुछ सामने आया कि क्या कारण था? कारण तो अभी इनकी फैमिली डिस्प्यूट है, रंजिश चल रही आपस में। ये यहाँ तनवापुर के लोकल फैमिलीज ही हैं जिनमें ये डिस्प्यूट हुआ है। जो पार्षद और एक उसके भाई जो कि सुनील तोता का भी नाम आ रहा है, क्या उनके ऊपर कोई इन्वॉल्वमेंट अभी? जी, जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि नवीन पार्षद है यहाँ के और उनका भाई सुनील है उर्फ तोता, उनकी इन्वॉल्वमेंट पे भी शक है हमें। कितने खून पुलिस ने बरामद किए हैं सर? अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसके बारे में अभी बता नहीं सकता। कितने लोग घायल हैं सर? अभी तो कुछ लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, 4 लोगों को भी एडमिट किए हैं हमने घायल, बाकियों की एमएलसी करवा रहे हैं। लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है सर पुलिस को? अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हम देखते हैं। कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है, लगभग कितनी गाड़ियां इसमें डैमेज हुई है? अराउंड 4 गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, कुछ गाड़ियों में शीशे वगैरह टूटे हैं, कुछ में थोड़ी हैवी डैमेज हुई है। मामला फिलहाल कंट्रोल में है? हाँ जी, मामला फिलहाल कंट्रोल में, शांति बनी हुई है। हमने पुलिस को पूरे गांव में